आप देख रहे हैं ई टीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 मार्च को शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का दिया था निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। पीएम ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने संदेश खाली की पीड़िताओं से भी मुलाकात की। पीएम से मिल महिलाओं का दर्द छलका, भावुक होकर सुनाई आप बीती। पीएम ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल सरकार के राज में संदेश खाली में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। बिहार के बेतिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने आरजेडी और लालू परिवार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से बिहार में युवाओं का पलायन बड़ी समस्या है, लेकिन बिहार में जब जंगल राज आया तो ये पलायन ज्यादा बढ़ गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस जल्द ही पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। इस चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। यूपी के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को MP MLA कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण कोरिया और जापान की 4 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में सियोल पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री हान डकसू से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। सेंसेक्स ने पहली बार 74,000 का आंकड़ा पार किया। BSE पर सेंसेक्स 416 अंकों की उछाल के साथ 74,093 पर क्लोज हुआ। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।